अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां बदलते मौसम के साथ स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि GSVM मेडिकल कॉलेज की छात्रा में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। छात्रा को गंभीर हालत में ICU में भर्ती किया गया, जिसके बाद वो कोमा में चली गई है। लखनऊ में PGI से रिपोर्ट आने के बाद कैंपस में छात्र छात्राओं के बीच दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि GSVM मेडिकल कॉलेज परिसर में बीते मंगलवार मरे हुए सुअर पाए गए थे। मेडिकल कॉलेज प्रचार प्रोफेसर संजय काला ने बताया कि छात्रा पाखी की तबीयत पहले से और ज्यादा बिगड़ी है, वो अब भी कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट बढ़ाया गया है, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है। वहीं कॉलेज कैंपस में सुअरों के आतंक को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निगम और पुलिस को भी पहले कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकी। हृदय रोग के क्या लक्षण हैं, उपचार रोकथाम के क्या बताएं? हृदय रोग के जो क्लासिकल लक्षण हैं उसमें सीने में लेफ्ट साइड में दर्द, बाएं हाथ में दर्द, गर्दन में बाई ओर दर्द, बाएं तरफ जबड़े में दर्द, इस तरीके से अपर हाफ ऑफ द बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में जो दर्द होता है वो क्लासिकल सिम्टम होता है, जो कि कोई एग्जर्शन करने पर दर्द पैदा होता है और रेस्ट करने से दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा अन्य लक्षण अनेक सारे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्लासिकल लक्षण हैं कि सीने पे एकदम भारीपन लगेगा, बहुत कस के दबाव सा महसूस होगा, पसीना भी आ सकता है, और इन सब हृदय रोग से बचाव के लिए बेहतर होगा कि हम लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खान पान का ध्यान रखें, फास्ट फूड को अवॉइड करें और ख़ासतौर से स्वस्थ दिनचर्या में बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव बना रहे। लिथार्जी नहीं होना चाहिए, आराम तलबी उचित नहीं है। सुबह शाम किसी भी समय जब समय निकाल सकते हो वॉक किया करें, और उसके अलावा एक्सरसाइज पर ध्यान दें, खान पान को अपना कंट्रोल करके रखें, और इसके अलावा टेंशन से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के माता पिता अपने बच्चों को क्लास में फर्स्ट आने के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, तो वो प्रक्रिया जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बचपन से ही टेंशन पालने की आदत हो जाती है। बचपन जो है वो खेलने कूदने के लिए होता है, पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर में ही लगे रहें, अपनी किताबों का बोझ ढोते रहें, तो वो आगे चल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग बच्चों को शुरू से ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतार दिया जाता है। प्राइमरी और नर्सरी और KG तक से देखा जाने लगता है कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकेंड आ रहा है। इस प्रथा से हम लोग को बिल्कुल बचना चाहिए।